राम राम जी, नए व्लॉग में स्वागत आपका रितु इंडिया जय व्लॉग में। और शुरुआत करते हैं रितु जी के साथ में, खाना बनाने लग रही है सुबह सुबह। ये देखो भाई, और देखो भाई जड्डा की होगी शुरुआत आ रही। इतनी दूर तो मेरी गाड़ी भी को ना दिख दी खड़ी, क्योंकि भाई धुंध एकदम इतनी धुंध आ गई है। ये देखो भाई, वाह भाई वाह, ये जड्डा की शुरुआत होगी है आज। इतनी धुंध एकदम आने लग रही है, पतने लग रही है, क्यों रे ऐसा। मतलब जड्डा की शुरुआत होगी। सवेरे सवेरे जब मैं उठा था जब कोई धुंध नहीं थी, लेकिन ये धुंध देखो भाई कितनी होगी। ये देखो मारा घर की घर, मगर देख लो, ये देखो भाई मारा घर नहीं दिख रहा, घर की घर में खड़े हो, घर ये नहीं दिख रहा। क्यों रही माँ, ये मेरी माँ भी को दिख रही दूर। तो दो मारा आराम कर दे पहले दर्शक ना, बुरा मानगी मैंने पहले रितु दिखा दी ज्यादा, और बुरा मानगी थी ना, मानगी थी मेरी माँ। ले भाई मेरी माँ ने भी चाट दर दिया है, मेरी माँ नाराज हो गई थी, इस करके ना मैंने मेरी माँ भी दिखा दी। मेरी माँ वैसे तो खुश रहे आगरे, एक आधी मेरे तो नाराज हो जाए आगरे। चलो भाई खुश होना सही है। मारे एकदम धुंध आ गई जब सुबह, क्या उठी थी तू माँ, क्या बजे उठे थे? 5 बजे उठे, जब क्या धुंध थी? अरे जब मैं उठा 6:30 बजे, जब भी कौन थी 8:30 बजे। हाँ ये देखो भाई, 8:30 बजे के बाद या धुंध होगी। ऊपर जाकर मैं एक बार दिखा दू तुमने, ये कुछ गमले हमने यहाँ रख रखे हैं, ऊपर का ऊपर वाले गमले मैंने दिखाई नहीं थे अभी तक। ऊपर भी हमने गमले ऐसे रख दिए हैं, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर जाकर धुंध दिखाऊंगा एक बार कितनी हो रही है भाई। देखो चारों तरफ धुंध बढ़ दी जान लग रही है। ये देखो भाई, चारों तरफ से धुंध ही धुंध होगी है, कुछ नहीं नजर आ रहा अभी। और यह धुंध भी अभी हो यार, हमने थोड़ी देर में हमने निकलना भाई पानी पत। ये देखो धुंध धुंध होगी सारों को, कुछ नहीं दिख रहा है। और धुंध की शुरुआत भी जरूरी थी, धुंध बिना जड्डा नहीं मानने थे कई जने। ए माँ, अरे देखो भाई लड़ाई होगी सासू बहू की। ये देखो लड़न लग रहे हैं आपस में, लड़ते नहीं। मन सोच था मेरे लड़न लग रहे हो, मेरी वीडियो बन जाती। और लोग लड़ाई यहां देखना पसंद करे हैं, वो तो हम लड़ाया करो रोज एक बार। अच्छा लोग नुकसान नहीं देखना चाहो है, लोग के चक्कर में कहते नुकसान को कर करे। अच्छी चीजा ना कोई ना देख, दात के टाइम पे बिल्कुल। और अक्षय पापा दिखा दा भाई अभी क्या कर रहे हैं एक बार जाड में। देखो भाई अक्षय पापा जी दो भाई, दोनों के दोनों जमा टेलीविजन देखने लग रहे हैं। टेलीविजन चल भी नहीं रहा, टेलीविजन का यो टेलीविजन देखो, ये देखो इन उधर रहे हैं ऐसे देखने लगे। धुंध देखी पापा कितनी आ गई, धुंध कितनी आ गई, खूब आ गई, और भी घनी होने लग रही है। अक्षय देखी तेना, राम राम कर दे दर्शकान। अक्षय भाई राम राम, अनूनी भाई ये अखे में आके मिला के कर राम राम, राम राम कर दे पापा। वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे होते हैं ये बाद। देखो धुंध 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 बतेरा बन गया रितु व्लॉग, बस कर दो बंद। तो भाई पानी पर जान की कर लिया हमने तैयारी है, रारी जी खा लग रही रोटी बना दो। खा ली बना दे, सब तो पहले खा लिया सब ने, अरे मैं खा ली इतना एक संतरा जाते जाते जावांगे। राजी होए नचते जाते हैं, ठा दिया होना मैं इसने, माड़ा सा बच गया। मैं इस कदी तैयार खड़ी थी, माड़ा लो होना ने इन्हें बतावे थी। ले भाई अभी आ गए हैं पानीपत, ये 5 केले ले, संतरे ले, अमरूद ले, नूर कह दे। और देख ले भाई, तो भाई अभी पानीपत आ गया भाई, और ऐसे बोला राजा भाई, बाकी अच्छा बोला तू, तेरे शुरुआत करी बहुत बढ़िया। मजाक का बुरा क्यों मानना करो, हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया तू रो इतना बोलो, कोई बात नहीं, रो ना रो ना। तो भाई कपड़े लेना रहे भाई पानीपत, थोड़ी देर में शॉपिंग कराएंगे, बताया नहीं था आपकी एकदम सरप्राइज दी, जैसे भी साथिया थी आज हमारी होगी शॉपिंग। आज हम आपको दिखाएंगे पानीपत के बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें, अभी दिखा दे उस तरफ भी। देखो ये देखो ये देखो ये देखो जी ये देखो ये देखो जी पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। ये देखो जी ये देखो जी गाड़ी चल रही है भाई, ये देखो जी पर दे रही है मोटरसाइकिल भाई, देखो ये देखो संतरा की रेडी जी।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो हमारा आगे वाला गाड़ी डटकी है, ये देखो जी। अरे अभी हमने मुड़ना है, उस पर दिखा दे लोकेशन, दिखाई वो लोकेशन। ये देखो भाई हमारी लोकेशन अभी, ये देखो जी बाइक क्रॉस कर रहा है रोड। ये बात भाई, चलो बस पानी पता लिया, लेकिन पानी पता दे एक बार पहले रविंदर भाई कुसुम जी और पहले चला एक बार बोलो मर्यादा पूछो तुम। श्री रामचंद्र जी की जय हो, आ जाओ भाई। आज हम मिलवाते हैं बार आपने, ये बात एक गाड़ी का नया है भाई, एक गाड़ी का नया है। तो अभी मिलवाते भाई सोन भाई से। सोन भाई राम राम भाई, भाई अभी रविंद्र भाई राम राम। पिज्जा ले आया भाई रविंद्र भाई, लो बताई जी राम राम। कैसे ताई जी, ठीक से? चलो भाई अभी भाई साहब से मिलवाते हैं। राम राम जी, भाई साहब कैसे हैं? ठीक है, और घर परिवार? चलो भाई ये देखो रविंद्र भाई, एक एक डब्बा लिया सारा खातर बनने खातर। इतने पिज्जे क्या तो मंगवाए यार, नू कुकर के करे हो? चलो भाई अभी पिज्जा है भाई, काट ले फिर, काटो काटो। ये देखो भाई, ये देखो भाई अमरूद का पेट लगा रखा है, बहुत पुराना है, कम से कम यो नो मालिक 1 लाख रुपए शॉपिंग करे आज। हां 1 लाख की शॉपिंग, इतना इंटरनेशनल मार्केट में से। और ये जा भाई देखो भाई, टोपी ले स्पेशल, बहुत अच्छी लग रही है भाई जी आपको। 4000 रुपए की टोपी है, 4500 की है, बहुत बढ़िया भाई। कोट भी 15500 से कम कौन सा कोट नहीं है, काम करेगा तो ऐसी तासों में इंटरनेशनल मार्केट में खेलेगा। हां हां बिल्कुल। तो भाई शॉपिंग करके ना मैं कल रात ना यहाँ भाई करीबन हम पहुंचे यहाँ 8 बजे, और 8 बजे आने के बाद बाकी की जो भाई वीडियो क्यों नहीं बनाई शॉपिंग की, इस चीज का स्पष्टीकरण देगी रितु जी। जी रितु जी, चलो भाई अरे शॉपिंग करके ले आए हैं भाई, देख दिखा भी दूं अपना मैं दूर से। देखो भाई ये 3-4 जो बोरे हैं भाई ये भर करने ले आए हैं। पानीपत से काफी टाइम लग गया हमारा, वीडियो हमने नहीं बनाई कल, पूरा टाइम लग गया था। और शॉपिंग करने में कभी कुछ खरीदना कभी कुछ खरीदना कभी कुछ, पर्दे भी नए डिजाइन के वहाँ पर्दे थे, वो तो मना कर दिया रितु ने, बोले नए डिजाइन के पर्दे ले ले ये रही रे वो तेरा दो डबल पर्दे आके करोगे वहाँ। चलो भाई बाकी थोड़ी ही अगली वीडियो में या इससे अगली वीडियो में हम दिखाएंगे भाई बढ़िया बढ़िया जो कोट है वो लेकर आए हाँ, बढ़िया बढ़िया जो खरीदारी करी हमने पानीपत से वो सारी चीजें दिखाते हैं आपको, ठीक है ना रितु? कल वीडियो क्यों नहीं बनाई फिर? कल की मैं तो मेरी दूर के सफर में तबीयत खराब हो गई थी। और फिर की मैं आपको सामान ले गई, मैंने छटना नहीं था सामान में, तो एक लोग बैठे थे, मैं वीडियो बनाना भूल गई। चलो भाई देखते हैं फिर भी, और चलो तो भाई आज आ रही हाँ मैं खेतड़ गांव में रिमन नैन जो बेबे भाई किसान आंदोलन, बहुत सारी हमने वीडियो बनाई थी। पहले तो रिमन के पापा से मिलवा दे। राम राम जी, ताऊ ठीक ठाक सो? ठीक है राम राम कर तुम्हारी दर्शकान है। राम राम वाह भाई वाह, चलो बढ़िया भाई। ताई ने मिलवा दे एक बार भाई, ताई पानी पानी पड़ने लग रही है कठड़ू ने है। ताई राम राम भाई। ओ ठीक ठाक से नौकरी लागी छोरी? आज मां खुशी होई, पूरी खुशी हो रही है नी? चलो बढ़िया भाई आयो भाई, ये खेता में रह रही मन हो रहे, या बड़बेरी है इनकी, बड़बेरी के पहले मैंने बेर खूब खाए थे उस टाइम पे नहीं बने उसके बेर आगे बाबत है। हाँ राम राम भाई, और भाई ये मेरे खाते नींबू तोड़न लग रहे मन है, ठीक से भाई? चलो बस बतेरे हो गए, सुनो और नहीं है गणे गणे लंबे टाइम थी हो जाएंगे वरना तो फिर। बहुत धन्यवाद। दो डबल पोलिथीन कौन होगा क्या करो? हाँ चलो भाई रिमन बे बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं नौकरी की बे, धन्यवाद। नो मारे वो लोग देखा करा जो जमा ऋतु बाबी तो हाँ सारे जानो है।
जुमा सब ने तेरी माँ ने तेरा बाबू ने अच्छा यू भी बेरा पहली तनखा कड़ा बैठ के क्यों कर दी थी चलो बढ़िया बे चलो बे हमने यहाँ पे ये बात दिखा दे भाई बेटे कैसे हैं कशिश कैसे हैं चलो भाई तो भाई आपकी जानकारी खातर बता दा व्लॉग में क्योंकि आप फिर नुको हो गए व्लॉग में जानकारी दी केवीएस में बहन का 13वां रैंक आया है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर है और भाई आप बनगी सरकारी टीचर पे भी बहुत बहुत शुभकामना सरकारी टीचर की चलो कद लागे लिस्ट है लिस्ट लगी थी भाई 28 नहीं चलो बिल्कुल डब्बा मन देना था फिर बिन मार दी डब्बा दे दिया तो तगारे थे अच्छा भाई नोलिया और भाई ब्लड डोनेशन करना है तो कैंप लग रहा था भाई यार तो भाई अजय भाई एक बार ब्लड डोनेशन कर देगा इतना ये फार्म भर कर जो भी औपचारिकता पूरी की जा रही है क्यों कह रहा है क्या बात पट की बात है अच्छा अच्छा चलो नौकरी के तो भरे नहीं फोन के तो भरे अच्छा साइन मार दे कुछ भी हो गया था हम जिम्मेदार नहीं है नू लिख रहे पर और अच्छा आ जा भरे कितनी देर है खून उसमें गाड़ी में भीतर है बैग तो इधर दे बैग इधर जा तो भाई बस लगा रखी है स्पेशल इस बस में जो इसका ब्लड डोनेशन है ये बस में लिया जाओगा जरा देखो भाई वाह भाई भाई खाना पूछ रहे एक बार यो भाई खाना खा रहा है नहीं खा रहा लो भाई शुरू हो गया भाई अजय भाई का भी खून निकलना ये देखो कितनी बार दे लिया अजय तेरहवीं बार है आपका बहुत बढ़िया ये देखो भाई इन्हें अलग सुकून मिले है भाई और मिलना भी चाहिए भाई ब्लड डोनेशन करने में क्यों अलग खुशी मिलती है ना चलो ठीक सो अंकल जी बहुत बढ़िया भाई सारे के सारे देने लग रहे हैं भाई ये अलग अलग वो कर रहे हैं प्रोसीजर सारा का सारा चल रहा है भाई अजय भाई को सम्मानित किया जा रहा है भाई जो ब्लड डोनेशन कैंप में इसने भाई ब्लड डोनेशन किया है तो भाई वीडियो आपने देख ली रुक जा रुक जा देखी को नहीं फिर रुक जा थोड़ी थोड़ी भी डांट लिया कर ठीक है स्पीड सारे दिन स्पीड में रह जाओ लोग जब तो सारे 10-12 मिनट का बना है आपका कई जो लड़कियां भाई उनके मैसेज आए थे कई जो बाण है उनके मैसेज आए थे कि अजय भाई अब की बार जो हमारा नाम है वो जरूर लेना व्लॉग में तो कुछ है जो पिछले व्लॉग में बच गए थे नाम लेने वो ले जा भाई एक बार रवि सैलू आप शिवानी भाभी कब आएगी अच्छा थैंक यू आएगी जरूर आएगी आएगी जरूर आएगी भाभी जी 14-15 तारीख को आएगी ठीक है पता चल गया आपको अब अगला कह रहे भाई क्यूट माही व्लॉग शिवानी दीदी कहाँ गुम हो गई कहाँ खो गई बस थैंक यू धन्यवाद आपका व्लॉग बहुत बढ़िया लगे आपका अर्नो मिठू थैंक यू धन्यवाद आपका सुशीला सुशील भाई धन्यवाद आपका थैंक यू शुक्रिया अयान कालुआ रितु अजय ने बोल के शिवानी के रूम की दीवार की सफाई करवा पेंट उतर गया है बोल दिया करांगे सफाई कर लिए ठीक है ना हाँ ये बात ऐसे नया स्टैंडर्ड है रितु का फोन पकड़ने का पीछे जाकर ऐसे हो करे आपने चलो हंसना जरूरी है आरू सिंह धन्यवाद आपका थैंक यू शुक्रिया राजवीर सिंह गांव गुस्काणी जिला भिवाणी धन्यवाद भाई राजवीर सारी वीडियो देखा करे भाई तेरा धन्यवाद आपके फोन भी आप स्पेशली कई बार फोन नहीं उठा पाते तो फिर भी आप दिल से शुक्रिया आप ये मत मान्या करो भाई फोन उठा रहे तो टेंशन ना लियो ठीक है आशा देवी रितु जी आप बहुत ही अच्छे हैं ठीक है प्रेगनेंसी में अपना थोड़ा ध्यान रखा करो जो सफाई कर रहे हो ना रसोई में आप जो सफाई कर रहे हो स्लेब के ऊपर मत चढ़ जाना ठीक है ना ये बोल रहे भी आप अपना ध्यान रखा करो ठीक है ना दिशा जा आके तो 4-5 कमेंट आ करके इकट्ठे दिशा आपका धन्यवाद स्पेशली और पायल तोमर भी कई तरह कमेंट करे ना 6-7 पायल तोमर आपका धन्यवाद डिम्पल हाँ सिंह मार थैंक यू डिम्पल और रीना डीके थैंक यू बाकी की रितु जी पढ़ेगी बस आप पढ़ ले टेम पर पढ़ लेंदी दास तू भी मैसेज पढ़ तू भी कमेंट पढ़ मेरी तरफ पढ़ाई कर रहे टेम जा लिया हाँ ठीक भी पढ़ सके है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती ध्यान से देखिए ठीक है नहीं आदमी के अंदर इच्छा और लगन होनी चाहिए
किसी भी टाइम पढ़ाई कर लो, क्या जरूरी है? ये जरूरी थोड़ा ना भाई, आप बड़े बड़े हो गए, ठीक है, 35-40 साल के हो गए तो आप पढ़े नहीं सकते और के बुढ़ा भी पढ़ सका है भले। देखो भाई, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आदमी के अंदर लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब लगन होगी नी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, वैसे नहीं होगा। मेरी तरह कामयाब होना तो पढ़ना पड़ेगा कड़ा तरीका दिया आनंद मलिक भाई, अंश मलिक थैंक यू, धन्यवाद सारी फैमिली ने, आपका धन्यवाद भाई। खुशबू संधु, वाह जी वाह, थोड़े खुलते हैं, वो शूज मंगवाए थे आपने ऑनलाइन, वो शूज थोड़े खुलते हैं, ऐसे बोलती है। चलो एक एक लड़की का और कमेंट आता, वो गुड़िया के 3-4 मैसेज कर दिए थे उसने, चलो किस्मत को निपका फिर हाँ तो प्रयास ले लिया करो फिर। हाँ चलो भाई, बाकी आप सब इतना सारा लाड प्यार देते हुए आपका धन्यवाद। शॉपिंग की वीडियो थी यार, लेकिन शॉपिंग की वहाँ शूट नहीं कर पाए हम, जल्दबाजी में थे, और इस वजह से आपने इतना सारा प्यार दिया ब्लॉग का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रितु की जिम्मेदारी लगा रखी है ब्लॉग, किसने नींद आए जा है तो भाई आए जा है, या ब्लॉग नहीं बनाती है, काम तो टड़ा है, काम में काम नहीं समझ रही है। और वैसे कैसे चैनल चल लगा, कई जना के फोन आओ मरदर, कई महिलाओं के फोन आओ क्या जब भाई हम ब्लॉग बनाते हैं, बोला हमारा ब्लॉग नहीं चलता। ममती मतलब पूछा करूँ मैं, कहा दी भाई नुका दिया करूँ, हाँ वे नो बताओ व्लॉग में कौन कौन आ करें, नुका कर ना तो मेरा सास ससुर आंदे, ना मेरा बेटा बेटी आंदे, ना मेरा पति आंदा। मखा अच्छा, बोली भाई मैं के लिए बनाए जाऊँ, फिर मखा तरने के लिए ना कौन देखेगा तो व्लॉग के अंदर भाई पूरा परिवार है या कोई एक्टिविटी है, बाहर जाओ आप कहीं पर भी टूर वगैरह पे, तो इंटरेस्टेड होगा तो लोग देखेंगे भाई। जो ये जो बाण जो नए जो चैनल कर रही है उनके लिए मैं बताने लग रहा हूँ भाई, फैमिली का आना बहुत ही जरूरी है, यदि फैमिली नहीं आएगी तो व्लॉग के कम चांस बनते हैं भाई व्लॉग चलेगा, या फिर मतलब आप अलग अलग टूर जा रहे हैं कहीं कहीं दिखा रहे हैं, या फूड व्लॉगर हैं भाई वो केवल रेसिपी बनाते हैं, अलग अलग खान पीन की चीज़ें बनाते हैं, जो उनका चैनल चलता अन्यथा नहीं चलता। तो उन बाना तो रिक्वेस्ट है जो सी व्लॉग चैनल बना रही है कि अपने परिवार ना मनाओ, अपने परिवार के साथ वीडियो बढ़ाओ तब आपकी वीडियो चलेगी, अन्यथा आप ये सोच रहे हो कि शॉर्ट वीडियो के कारण आप अपने चैनल मोनेटाइज कर लोगी, नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के कारण वही चैनल मोनेटाइज कर पाओगे जिनके मिलियन जो होते हैं, मिलियन में व्यूअरशिप आती है, जिनके लाखों आदमी वीडियो देखे शॉर्ट वीडियो, उनका तो शॉर्ट वीडियो कारण हो जाएगा। देख लेके तो पकड़ रही है, चलो आज के समाचार यहाँ समाप्त करते, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम जी।